इस वक्त मौजूद हैं हम सुल्तानपुर के लम्हुआ विधानसभा में, और लम्हुआ विधानसभा से दो बार विधायक रहे। हमारे साथ मौजूद हैं संतोष कुमार पांडे जी। ये पिछली बार विधानसभा चुनाव में हार गए थे, वो जीत हुई थी यहाँ पे बीजेपी की, जो देवमणि दुबे थे, कौन थे, द्विवेदी जी, वो चुनाव जीते थे। लेकिन अब की बार देखिए क्या कुछ होने वाला है। चलिए कुछ सवालों पे इनसे हम बात करेंगे जी। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आपको धन्यवाद कि आपने मेरे लिए वक्त निकाला जी। किस मुद्दे पर, क्या मुद्दा है अब की बार, आपकी समाजवादी पार्टी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी गरीबों को उनका हक दिलाने के लिए, नौजवानों को रोजगार देने के लिए, महंगाई से मुक्ति दिलाने के लिए, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए, हम लोग सभी जातियों धर्मों को लोगों को आशीर्वाद मांगने आए हैं। मैं देख रहा हूं इस बार उत्तर प्रदेश की खुशहाली और तरक्की के लिए लम्हुआ की महान जनता समाजवादी पार्टी को वोट दे रही है। मुझे भरोसा है लम्हुआ की महान जनता पे कि इस बार इनका आशीर्वाद मुझे मिलेगा और मुझे अपना सेवा करने का मौका देंगे जी। पिछले विधानसभा चुनाव में जब 2017 में विधानसभा चुनाव हुआ, जो आपके प्रतिद्वंदी रहे वो आपको हराए, लेकिन वो अब की बार मैदान में नहीं आपके सामने, तो क्या लगता है, जीत आसान लग रही है या क्या लग रहा है आपको? देखिए, जो पिछली बार विधायक यहाँ हुए थे वो कविता और सोहर पाठ करने के माहिर थे। जनता ने सोचा कि अधिकारी रहे हैं, बड़ा कुछ कर देंगे, गुमराह होकर जनता ने वोट दे दिया। लेकिन वो एक कविता उन्होंने गाई थी अभी कुछ दिन पहले, उसमें उन्होंने गाया था कि राजनीति गंभीर विषय है, नादानों पे छोड़ न देना। तो मैं आपके माध्यम से उनके तक ये संदेश पहुँचे, मैं कहना चाहता हूँ कि उनकी पार्टी ने उन्हीं के गाए हुए गीत को उन्हीं पे सेट कर दिया कि तुम नादान हो, अब तुम अपने घर बैठो। तुमने 5 साल लम्हुआ की जनता के साथ बहुत नादानी कर ली और अब लम्हुआ में ढूंढे प्रत्याशी नहीं मिला, तो इन्होंने जयसिंहपुर से आयात करके एक प्रत्याशी ले आया। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ इस बार लम्हुआ के चुनाव में लम्हुआ की महान जनता अपने स्थानीय, अपने बेटे, अपने भाई को आशीर्वाद देने जा रही है। इसके पहले भी जनता ने मुझे जिताया था और इस बार लम्हुआ के नौजवानों ने एक शानदार नारा दिया है कि इस बार लम्हुआ में 1 लाख पार। आप देख रहे हैं यहाँ उत्साह क्या है। मैंने 2 बजे समय दिया था, 6 बजने को हैं और जनता टस से मस नहीं हुई। ये दिखाता है कि जनता के दिलों में अखिलेश यादव जी और संतोष पांडे बसते हैं। योगी जी कहते हैं ये जो समाजवादी पार्टी है ये समाजवाद नहीं है, ये परिवारवाद है। इसमें सिर्फ परिवारवाद चलता है, चाचा चाची दादा दादी वही सब चलता है इनके परिवार में। अब योगी जी से हमको सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत तो है नहीं। अब ये बताएं कि ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद है, उसकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनका बेटा विधायक है, ये क्या है? और हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने, आपने देखा होगा, पिछली समाजवादी पार्टी में और इस समय की वक्त की समाजवादी पार्टी में बहुत अंतर है। हम पहले भी जब नेताजी थे उन्होंने भी गरीबों को, कमजोरों को आगे बढ़ाने के लिए काम किया था। और हमारी पार्टी का एक नया स्लोगन है, नई हवा है, नई सपा है। और वो इसलिए है कि हमारे नेता कहते हैं कि हम नौजवानों को आईटी के सेक्टर में 22 लाख नौकरियां देंगे। हमारे नेता कहते हैं सरकार बनेगी, हम माताओं बुजुर्गों को पेंशन देने का काम करेंगे। हमारे नेता कहते हैं हम बच्चों को लैपटॉप देंगे। हमारे नेता ने एक्सप्रेसवे इंडिया का सबसे अच्छा बनाया, सबसे अच्छे अस्पताल बनाए, सबसे अच्छा पुलिस मुख्यालय बनाया, सबसे अच्छा स्टेडियम बनाया, 100 डायल दिया, एम्बुलेंस दिया। और इन्होंने क्या दिया, इन्होंने केवल नाम बदला। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि लम्हुआ की महान जनता और उत्तर प्रदेश की महान जनता इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी सिमट कर दहाई में सीमित हो जाएगी। आप रिजल्ट आएगा देख लीजिएगा जी। एक और बहुत बड़ा वो आरोप लगाती है योगी सरकार कि ये जो समाजवादी पार्टी है गुंडों की सरकार है, हमने अब इस सरकार में गुंडों को सलाखों के पीछे भेज दिया। आपको क्या लगता है वाकई में गुंडे जो है वो सलाखों के पीछे हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये जो बोलते हैं ये झूठी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी से बड़ा स्लोगन देने वाली कोई पार्टी नहीं है और मैं तो इनको भारतीय झूठ पार्टी का नाम दे दूंगा। इनसे अच्छा कोई झूठ नहीं बोल सकता है। आप देखिए, पहले इन्होंने गुमराह किया,
कि हम 15-15 लाख खाते में देंगे, उसके बारे में इन्होंने कभी पलट के जवाब नहीं दिया। फिर कहते हैं नौजवानों पकौड़ा तल लो। फिर आप देख लीजिए आज हालात क्या हैं, नौजवान सड़कों पे है, जब नौजवान सड़कों पे नौकरियां मांगता है उसे लाठियां देते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ बचा नहीं है, इनके पास केवल एक ही मुद्दा था, हिंदू मुसलमान करके वोट ले लेते थे, लेकिन इस चीज़ को आम जनता उब गई है। अब उत्तर प्रदेश की महान जनता बदलाव करना चाह रही है और उत्तर प्रदेश में एक ऐसे चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है जिसने पहले भी करके दिखाया है। मुझे भरोसा है कि इस बार उत्तर प्रदेश की महान जनता, लम्हुआ की महान जनता भरपूर आशीर्वाद देगी और उत्तर प्रदेश में तरक्की और खुशहाली के नए रास्ते बनेंगे। आप दो बार विधायक रहे, आप अपने विधानसभा में आपने क्या क्या किया ये हमको बताइए। मैंने कोयरीपुर में पावर हाउस बनाया, रजवाड़े रामपुर में पावर हाउस बनाया, पाड़ेपुर में बनवाया, मैंने तहसील नहीं बनाई, महिला अस्पताल बनाया, आईटीआई बनाई, पॉलिटेक्निक बनाया, मॉडल स्कूल बनाया, पापर घाट बनाया, धोपाप घाट बनाया। कभी बीजेपी वालों को मिलें तो उनसे पूछ लीजिएगा, कोई प्राइमरी स्कूल भी बनाया हो तो बता देंगे हमें। इतने सारे विकास के बाद भी आप फिर कैसे पिछली विधानसभा चुनाव? फिर मैंने कहा कि जनता गुमराह हो गई, जुमलेबाजी में आ गई। लोगों को लगा 15-15 लाख खाते में आने वाला है, अब लोगों को लगा कि भाई हमारा विकास हो जाएगा, और किया क्या इन्होंने? जब बाद में आप जैसे मीडिया के लोगों ने पूछा तो कहा हमने जुमलेबाजी की। देखिए बार बार झूठ की हांडी जो है बार बार नहीं चढ़ती है, एक ही बार चढ़ती है, और एक बार चढ़ी थी चढ़ गई। अब उत्तर प्रदेश की महान जनता ईमानदारों को लाने जा रही है, उत्तर प्रदेश के खुशहाली तरक्की के लिए अखिलेश यादव जी ने जो काम किए हैं। जी आप सपा में हैं, आपके रिश्तेदार वगैरह भाजपा में हैं, तो आपने सपा क्यों ज्वाइन किया, भाजपा क्यों नहीं? ऐसा है, अपनी अपनी विचारधारा होती है। मैं 24 साल से समाजवादी पार्टी में हूँ और मुझे लगता है मैं जब तक राजनीति करूँगा समाजवादी पार्टी की करूँगा। रही बात ये कि देखिए कौन सब स्वतंत्र हैं, हमारे रिश्तेदार बाबा दुबे जी भी हैं, आपको नहीं पता हो तो आप पता कर लेना, वो भी समाजवादी पार्टी से ही उम्मीदवार हैं। तो ऐसा है कि देखिए हम दुबे भी आपके रिश्तेदार नहीं, हमारे रिश्तेदार नहीं, हमारे परिचित हैं, हमारे परिचित हैं, हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है वो। मैं बस केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, देखिए इस देश में गंगा जमुनी तहजीब का देश है, यहाँ हिंदू मुसलमान दलित अगड़े पिछड़े सब एक साथ रहते हैं। हमारा मानना ये है कि आप बांट के राज नहीं कर सकते हो, जोड़ के कर सकते हो। इस देश ने हमेशा जोड़ने का काम किया, तभी हमारा आज धर्म भी सुरक्षित है, हमारे समाज के लोग एक दूसरे के सुख दुख में भागीदारी होते करते हैं। हम इनके धर्म को भी मानते हैं, अपने धर्म को भी मानते हैं, हम दोनों की इज्जत करते हैं। इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाईचारे के साथ मिलकर रहते हैं, यही हमारे देश की महानता है, यही हमारे देश की खूबी है। हमारा ये मानना है विचारधारा जो है बड़ी होती है, और इस देश में वही राज कर सकता है जिसकी ये विचारधारा हो, जो सबको साथ लेके चले। धन्यवाद। दो बार विधायक रहे संतोष कुमार पांडे जी से, और अब की बार वो फिर से मैदान में है लम्हुआ से। देखना होगा क्या जो जोश है, वो जोश अब की बार काम कर पाएगा लम्हुआ में या नहीं। दोस्तों हमारा वीडियो देखकर आप भी कमेंट में राय दें, और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद।